अस्पताल के बेड पर जिस मासूम को देख रहे हैं उसे पता भी नहीं होगा कि पैदा होते ही उसे इतनी बड़ी लापरवाही का शिकार होना पड़ेगा। वो तो शुक्र मनाइए इसकी किस्मत का कि ये अभी सांसें ले रहा है, वरना जिन लोगों पर इसे दुनिया में लाने की जिम्मेदारी थी वो इसे दुनिया से विदा कर ही चुके थे। वो तो शुक्र मनाइए इसकी किस्मत का कि यह अभी सांसें ले रहा है, वरना जिन लोगों पर इसे दुनिया में लाने की जिम्मेदारी थी वो तो इसे दुनिया से विदा कर ही चुके थे। दिल्ली के मैक्स अस्पताल की ये ऐसी घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब देश के नामी गिरामी अस्पतालों का ये हाल है तो फिर आप बाकियों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। दरअसल गुरुवार रात को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जन्म लेते ही एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि अस्पताल ने बताया कि दूसरे बच्चे का इलाज किया जा रहा है। एक घंटे के बाद अस्पताल ने परिवार को बताया कि दूसरे बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका और दोनों बच्चों को पार्सल में बंद कर परिवार को सौंप दिया। अस्पताल से लौटते वक्त पार्सल को गोदी में लिए शख्स को हलचल सी महसूस हुई तो पार्सल को फाड़ा गया तो डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। तो रास्ते में मधुबन चौक पड़ा तो एक पैकेट के अंदर कुछ एक्टिविटी से हलचल की हुई तो हमें शकवा में गए, शायद कुछ क्या गड़बड़ है, मैं कि बच्चा हिलसा रहा है। तो हमने वही पैकेट फाड़ा तो उसमें दो तीन पन्नी दो तीन कपड़े थे। तो बच्चा हमने जब निकाला तो बच्चा सांसें ले रहा था। फिर हमने देर ना करते हुए तुरंत बच्चे को हमने पास के एक अग्रवाल नर्सिंग होम है पीतमपुरा के अंदर, वहाँ पे एडमिट कराया। बच्चा अभी भी वहाँ पे सांसें ले रहा है और जिंदा है। अब इस देश में विवशता भी देख लीजिए, आपके साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस से सहयोग की उम्मीद भी बेमानी ही है। एक परिवार जिसके जिंदा बच्चे को अस्पताल ने पार्सल में पैक कर दिया, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। पुलिस का यहाँ पे कोई रवैया नहीं है। पुलिस आई थी कल, ACP साहब आए थे, SHO साहब आए थे, और भी पुलिस काफी टीम आई थी यहाँ पे। हमारे सबके बयान वगैरह लिए हैं, हम FIR लॉन्च की और हमारे से कॉपरेट नहीं कर रही है। हम उनको FIR के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारी FIR दर्ज करो। अभी हमारी सुनवाई तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि हम आपकी FIR हम दर्ज नहीं। इस घटना के बारे में जब मैक्स हॉस्पिटल से संपर्क किया गया तो हॉस्पिटल ने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया और मेल से बस इतना जवाब दिया कि जांच चल रही है। अब जब देश के इतने नामी गिरामी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो फिर ये आपके और हमारे सोचने का सवाल है कि आज जो इस परिवार के साथ हुआ है क्या गारंटी है कि वो हमारे साथ नहीं होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।